नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फोटो वाले के नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं मीटरिंग मोड्स के बारे में। हमारे कैमरे में अलग अलग मीटरिंग मोड्स रहते हैं, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सा मीटरिंग मोड कब यूज़ करना है। दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारे कैमरे में एक मीटर रहता है, लाइट मीटर रहता है, जो कि हमें बताता है कि एक्सपोजर क्या लेना है, कब लेना है और कितना लेना है, वो हमें बताता है, एक गाइडलाइन देता है। अब बात करते हैं उस मीटर के अलग अलग मोड रहते हैं, अलग अलग प्रकार रहते हैं, तो अलग अलग कंपनियों ने उनको अलग अलग नाम दे के रखे हैं। लेकिन सबसे बेसिक जो और हर एक कैमरे में वही तीन मोड रहते हैं, वो एक रहता है मैट्रिक्स या फिर इवैल्यूएटिव मीटरिंग, एक रहता है सेंटर वेटेड मीटरिंग और एक रहता है स्पॉट मीटरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं इवैल्यूएटिव या फिर मैट्रिक्स मीटरिंग में होता क्या है। तो इवैल्यूएटिव मीटरिंग में हमारा कैमरा का जो मीटर रहता है वो पूरे एंटायर फ्रेम का एक एवरेज एक्सपोजर निकाल लेता है कि पूरे एंटायर फ्रेम देखता है कि किधर कितना लाइट है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट का एवरेज निकाल के हमें एक एवरेज एक्सपोजर देता है कि हाँ, अगर आपको पूरा फ्रेम एक्सपोज करके चाहिए प्रॉपरली तो आपको ये सेटिंग्स रखना चाहिए। कैमरे का मीटर हमें ये बताता है इवैल्यूएटिव मीटरिंग में। ये कभी यूज़ होता है अगर आपको एक लैंडस्केप खींचना हो या फिर आपको पूरी फ्रेम प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए, मतलब पूरा फ्रेम आपका पिक्चर प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए, तो आप इवैल्यूएटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा करके लैंडस्केप या फिर आर्किटेक्चरल वगैरह ऐसे सब शॉट जब रहते हैं तभी ये यूज़ करते हैं, या फिर ग्रुप निकालना रहता है तो बहुत सारे जन रहते हैं उसमें, तभी ये मैट्रिक्स मीटरिंग हम लोग यूज़ करते हैं या फिर इवैल्यूएटिंग यूज़ करते हैं। मीटरिंग मोड का सेकेंड मोड रहता है सेंटर वेटेड मीटरिंग या फिर पार्शियल मीटरिंग। तो इसमें क्या रहता है कि कैमरा का सेंसर के सेंटर गया, फिर आपके फ्रेम के जो सेंटर का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, कैमरा समझेगा कि आपको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको वो ही प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए, आजू बाजू का या फिर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो एक सेंटर का जो एरिया रहेगा हमारा 30-40% उतना ही एक्सपोजर कैलकुलेट करेगा, उधर की लाइट वो कैलकुलेट करेगा, क्योंकि हम कैमरे को बताते हैं कि हाँ, मुझे सेंटर का पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, मुझे वही सिर्फ प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए, तो वो सिर्फ सेंटर का ही लाइट कैलकुलेट करके आपको उसका एक्सपोजर देगा, एक्सपोजर वैल्यूज देगा कि शटर स्पीड, ISO और ये क्या रखना है क्या नहीं। तो अभी मान लो लैंडस्केप के लिए हमने मैट्रिक्स मीटरिंग मोड यूज़ किया था, अभी सेंटर का भी करेंगे, अगर समझो बीच में कोई झाड़ है वगैरह है हमारे लैंडस्केप में, अगर आपको वही प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए, वही पसंद आ रहा है, वही झाड़ वगैरह हमें सिर्फ वो पेड़ ही हमें प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए, पीछे का वगैरह कुछ अंडर ओवर हो गया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग उस टाइम पे सेंटर वेटेड या फिर पार्शियल मीटरिंग मोड यूज़ करेंगे, जो कि हमारे फ्रेम की सिर्फ सेंटर की पोर्शन का ही कैलकुलेशन करेगा और वही हमें उतना एक्सपोजर प्रॉपरली देगा। तीसरा और आखिरी मोड रहता है स्पॉट मीटरिंग। तो स्पॉट मीटरिंग क्या करता है कि जो आपने फोकसिंग पॉइंट सेलेक्ट किया है उसको आपका मेन ऑब्जेक्ट समझता है और सिर्फ वो जो स्पॉट रहेगा आपका फोकसिंग का उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उसका ही आपको एक्सपोजर देगा, यानी कि आप कैमरे को क्या बता रहे हो कि जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ वही मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, सिर्फ उसका ही मुझे एक्सपोजर प्रॉपर चाहिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आजू बाजू का फ्रेम या फिर बाकी बचा हुआ फ्रेम कितना ओवर है फिर अंडर जा रहा है, ये इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जिस पर फोकस कर रहा हूँ वही मुझे प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए। तो उस हिसाब से जहाँ पे आप फोकस करोगे, जो आप फोकसिंग पॉइंट सेलेक्ट करोगे उसका ही वो आपको एक्सपोजर देगा। अभी हमने मैट्रिक्स या फिर इवैल्यूएटिंग यूज़ किया था कि पूरा हमें लैंडस्केप एक शूट करना है प्रॉपरली एक्सपोज, उसके लिए मैट्रिक्स यूज़ किया। हमने पार्शियल मीटरिंग यूज़ किया कि हमें वो जो लैंडस्केप में सिर्फ बीच में जो पेड़ है वो ही हमें प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए, तो उसलिए हमने सेंटर वेटेड या फिर पार्शियल यूज़ किया, और मुझे वो पर्टिकुलर झाड़ की एक पत्ती है वो ही मुझे प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए, मुझे उसका ही फ़ोटो निकालना है, उसका ही रीडिंग देना है, तो ये उस टाइम पे हम लोग स्पॉट मीटरिंग यूज़ कर। और हाँ दोस्तों, ये जो मीटरिंग मोड्स वगैरह रहता है ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल लाइट पे या फिर कंटिन्यूस लाइट रहेगा तो ही काम में रहते हैं, जनरली ये फ्लैश पे काम नहीं करते, हालांकि TTL मोड पे काम करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फ्लैशेस वगैरह लगा रहे हो तो उस पर वो उतने आसानी से रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे जो सामने अवेलेबल लाइट है उसका ही रीडिंग देता है हमें, बाद में शटर बटन दबाने के बाद जो फ्लैश फायर होगा वगैरह ऐसा मीटरिंग नहीं देता है हमें, उसके रीडिंग्स नहीं देता है, तो जो अवेलेबल लाइट है उसी के हिसाब से वो हमें रीडिंग देता है। और अगर आपको फ्लैश मीटर के बारे में जानना रहेगा
तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आप देख लीजिए कि फ्लैश मीटर कैसे काम करता है, उसका फ़ायदा क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, KK_फोटोग्राफी।